इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की मुबीना खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मजहब, जात पात, बरादरी या जुबान की बुनियाद पर नफरत पैदा करने के इल्ज़ाम लगाए थे। पोलिंग पैनल ने 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक दोनों से जवाब तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी से कहा कि वो अपोजिशन जमातों की तरफ से दायर की गई शिकायत का जवाब दें, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर राजस्थान के बांसवाड़ा में तफरीक-आंगेज़ और हतके-आमेज़ तकरीर करने का इल्ज़ाम लगाया है। पोलिंग पैनल ने कांग्रेस से भी कहा कि वो बीजेपी की तरफ से मरकजी अपोजिशन पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके सीनियर लीडर राहुल गांधी के खिलाफ उनके मुतालुका रिमार्क्स के बारे में दर्ज शिकायत का जवाब दें। यह पहला मौका है कि पैनल ने किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ शिकायत का नोटिस लिया है। इलेक्शन कमीशन ने स्टार कैंपेनर्स पर लगाम लगाने के लिए पहले कदम के तौर पर पार्टी सुदूर के इनेकाद के लिए अवामी नुमाइंदगी एक्ट के दफात का मुतालिबा किया है।